चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फतेहपुर की, जहां एक भोज कार्यक्रम के दौरान युवक को हर्ष फायरिंग करना महंगा पड़ गया। युवक ने आसमान में हर्ष फायरिंग की थी, लेकिन गोली बिजली के तार पर लगी। गोली लगने से तार जमीन पर गिरा, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मलवा के भदवा गाँव का ये मामला है। तो बार बार तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि हर्ष फायरिंग के मामलों को गंभीरता से लेने और कार्रवाई करने की कितनी ज़रूरत है कि लोग बाज नहीं आते हैं। अब यहाँ हर्ष फायरिंग के जद में आके एक शख्स की जान चली गई, दो लोग झुलसे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसी खुशी मनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन कितना लिया जाता है? संदीप से जानकारी लेते हैं। संदीप, क्या एक्शन लिया गया है इस शख्स के बारे में, क्या किया गया है? जैसा कि बता दूं कि मामला भदवा का है, जहां पे एक गया भोज का कार्यक्रम चला था। गया भोज के कार्यक्रम के दौरान वहां पे एक शख्स आता है जो अपनी डबल बैरल बंदूक से लगातार एक के बाद एक फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। उस फायरिंग से अचानक एचटी लाइन का तार टूटता है, तार टूट करके जो गिर जाता है, जिससे तीन लोग उसकी चपेट में आते हैं, जिसमें एक की मौके पे ही मौत हो जाती है, दो लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। इनको आनन फौरन एक स्वाट एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी उस वक्त क्या कहते हैं, वहां पे स्थानीय लोगों ने किसी ने इसका वीडियो बना लिया, वीडियो बना करके सोशल मीडिया में जब आज ये वीडियो वायरल हुआ है, तो हालांकि प्रशासन अब इसमें कार्रवाई करने की बात कर रही है। नहीं, अभी तक तो पूरा प्रशासन सिर्फ इस पूरे मामले में लीवापोती में जुटी हुई थी, क्योंकि दो दिन मामला बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई इसमें नहीं की थी। संदीप, ये ही सबसे बड़ी दुविधा है, आप लगातार अपडेट लीजिएगा कि किया क्या जाता है। आखिर हर्ष फायरिंग के मामले आते हैं वीडियो के जरिए, उस वीडियो को देखने के बाद होता क्या है? क्या हर्ष फायरिंग के मामलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई, सख्ती नहीं बरती जाती है? संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर की तस्वीरें आपके सामने। गोली लगने से तार जमीन पर गिरा, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मलवा के भदवा गांव का ये मामला है। तो बार बार तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि हर्ष फायरिंग के मामलों को गंभीरता से लेने और कार्रवाई करने की कितनी जरूरत है कि लोग बाज नहीं आते हैं। अब यहां हर्ष फायरिंग के जद में आके एक शख्स की जान चली गई, दो लोग झुलसे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसी खुशी मनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन कितना लिया जाता है? संदीप से जानकारी लेते हैं। संदीप, क्या एक्शन लिया गया है इस शख्स के बारे में, क्या किया गया है? जैसा कि बता दूं कि मामला भदवा का है, जहां पे एक गया भोज का कार्यक्रम चला था। गया भोज के कार्यक्रम के दौरान वहां पे एक शख्स आता है जो अपनी डबल बैरल बंदूक से लगातार एक के बाद एक फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। उस फायरिंग से अचानक एचटी लाइन का तार टूटता है, तार टूट करके जो गिर जाता है, जिससे तीन लोग उसकी चपेट में आते हैं, जिसमें एक की मौके पे ही मौत हो जाती है, दो लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। इनको आनन फौरन एक स्वाट एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी उस वक्त क्या कहते हैं, वहां पे स्थानीय लोगों ने किसी ने इसका वीडियो बना लिया, वीडियो बना करके सोशल मीडिया में जब आज ये वीडियो वायरल हुआ है, तो हालांकि प्रशासन अब इसमें कार्रवाई करने की बात कर रही है। नहीं, अभी तक तो पूरा प्रशासन सिर्फ इस पूरे मामले में लीवापोती में जुटी हुई थी, क्योंकि दो दिन मामला बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई इसमें नहीं की थी। संदीप, ये ही सबसे बड़ी दुविधा है, आप लगातार अपडेट लीजिएगा कि किया क्या जाता है। आखिर हर्ष फायरिंग के मामले आते हैं वीडियो के जरिए, उस वीडियो को देखने के बाद होता क्या है? क्या हर्ष फायरिंग के मामलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई, सख्ती नहीं बरती जाती है? संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर की तस्वीरें आपके सामने।